बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हमारा उर्दू का 8th लेक्चर है। आज हमने अपना न्यू लेसन खून का बदला स्टार्ट करना है। जैसे कि इसके टाइटल से ही आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ये एक कहानी का उन्वान मालूम होता है। जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, ये एक लोक कहानी है। लोक कहानी कहते हैं कि जिसमें कोई ख्याली और तसव्वुराती किस्सा बयान किया गया हो। ये किसी मखसूस मुआशरे की कहानी होती है जिसमें वो वहाँ के इलाके और खित्ते की मुआशरती और मजहबी रवायात और रवैयों की अक्कास होती है। आज का हमारा सबक हमारे प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा की एक लोक कहानी है। जैसा कि आप लोग अपने बचपन में अपनी नानों से या दादों से छोटी छोटी कहानियाँ सुनते आए होंगे और थोड़ा बड़े हो गए होंगे तो फिर आपने जो छोटे छोटे बच्चों के रिसाले होते हैं या अखबारात होते हैं उनमें छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं बच्चों के लिए स्पेशली, यकीनन आपने वो पढ़ी होंगी। और आप लोग अपनी उर्दू ग्रामर में जो भी कहानियाँ लिखते हैं सबक के लिए उसके आखिर में भी आपने देखा होगा कि एक इखलाकी सबक या नतीजा होता है ताकि हम उससे कुछ सबक सीखें। सेम आज की कहानी का भी एक इखलाकी सबक है लेकिन वो हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे ताकि हमारी दिलचस्पी बरकरार रहे। सबसे पहले हम अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे। पहला वर्ड है लतपत। लतपत के मायने हैं आलूदा या भरा हुआ। हुजरा, हुजरा कमरे को कहते हैं। निढाल, थका हुआ। नकाहत, कमज़ोरी। दीवानावार, पागलों की तरह। लहजा ब लहजा, लम्हा ब लम्हा। मलाल, दुख। गाफिल, लापरवाह। बदबख्त, बदनसीब। मोहलिक, हलाक कर देने वाली। रफा, दूर। दस्तूर, तरीका। कारी, शदीद। ददामत, शर्मिंदगी। आरजू, ख्वाहिश। इंतकाम, बदला। हसरत, ऐसी ख्वाहिश जो या आरजू जो कि पूरी ना हो सके। बिपरा हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्से में। कहानी में एक करेक्टर है जो कि जिसका नाम है मुराद खान। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मुराद खान खून में लथपथ एक चारपाई पर पड़ा था। लथपथ यानी भरा हुआ था, आलूदा था, यानी उसका पूरा जिस्म खून आलूद हुआ हुआ था। उसके चेहरे पर, उसकी फुल बॉडी पर खून ही खून था। गांव के लोग उसके हुजरे में जमा थे। गांव के लोग उसके कमरे में जमा थे। उसकी बीवी और नौजवान बेटी मारे गम के निढाल हुई जा रही थी। उसकी बीवी यानी मुराद खान की बीवी और उसकी बेटी अपने शौहर और अपने बाप को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही थी। मुराद खान की हालत लहजा बह लहजा ख़राब होती जा रही थी। मुराद खान की जो कंडीशन थी, जो उसकी हालत है, वो लम्हा बा लम्हा यानी हर गुज़रते लम्हे के साथ मज़ीद ख़राब हो रही थी। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी रंगत जर्द हो गई थी। चूँकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था और खून बहुत ज़्यादा बह रहा था तो उसकी वजह से उसके चेहरे का रंग बहुत पीला पड़ गया था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन नकाहत की वजह से नहीं कह सकता था। वो अपने घर वालों को या गाँव वालों को कुछ कहकर बोलना चाहता था लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, खून बहुत ज़्यादा बह गया था और ज़ख्मी भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो बोल भी नहीं पा रहा था। आखिर उसने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया, सब लोग खामोश हो गए। उसने हाथ से इशारा किया कि खामोश हो जाएं ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकूं। और जो गाँव के लोग थे और उसकी बीवी और बेटी, सब लोग खामोश हो गए ताकि उसकी बात सुनी जा सके। उसकी बीवी और बेटी ने भी ज़बत से काम लिया। उसकी बीवी और बेटी ने भी बर्दाश्त से काम लिया और खामोश हो गई। सबकी तवज्जो मुराद खान की तरफ थी।
कमज़ोरी इस कदर ज़्यादा थी कि मुराद खान के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। वो बड़ी आहिस्तगी से कह रहा था, यानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो बात कर रहा था। दुश्मन तो अपना काम कर गया, यानी दुश्मन ने अपना काम कर दिया जो उसके ज़िम्मे किसी ने या उसने खुद अपने ज़िम्मेदारी एक काम की ली हुई थी, और काम ये था कि मुझे ज़ख्मी करना या मुझे जान से मार देना। तो वो तो अपना काम मुकम्मल उसने कर लिया है, यानी अपने हिस्से का काम उसने कर लिया है। मेरा आखिरी वक्त आन पहुँचा है, यानी मेरी मौत का वक्त करीब है। उसकी बीवी और बेटी धाड़े मार कर रोने लगी। जब ये सुना कि जब भी उसकी बीवी ने या उसकी बेटी ने ये सुना कि अब हमारा मुराद खान हमें नहीं रहेगा और वो जान से जा रहा है, तो वो ये सुनकर ही वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई। मुराद खान ने उन्हें इशारे से खामोश कराया। उसने कहा, मैं दुनिया से एक हसरत लिए जा रहा हूँ। हसरत यानी ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो। काश मेरा भी कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता। उसने कहा कि काश मेरा भी कोई बेटा होता। अब तो जैसे हमने पढ़ा है कि मुराद खान की एक ही बेटी है, तो वो इस बात का इजहार कर रहा है कि अल्लाह ताला से भी और वैसे भी एक बात का इजहार कर रहा है कि शायद अगर अल्लाह मुझे बेटा दे देता तो आज जो मेरी ये हालत है उसमें मैं सुकून से मर पाता। ये मेरी बेचैन रूह को सुकून मिलता, लेकिन अफसोस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर वो क्यों इस हसरत का इजहार कर रहा है कि क्यों वो अपने बेटे के लिए कह रहा है कि आज तक तो इतना बड़ा अर्सा गुजर गया, उसने कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, अल्लाह से कभी शिकवा नहीं किया, तो आज वो क्यों कर रहा है। मुराद खान की बेटी स्पिन गुल ये सुनकर अपने बाप के बाहों से दीवानावार लिपट गई और कहने लगी। मुराद खान की बेटी का नाम है स्पिन गुल। उसने अपने बाप से पागलों की तरह लिपट गई, यानी उसके बाप को पागलों की तरह लिपट गई और कहने लगी, बाबा तुम गम ना करो, मैं वादा करती हूँ कि जब तक तुम्हारे खून का बदला ना ले लूँ मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी। यानी एक बेटी ने अपने बाप से वादा किया है कि आप ये मत सोचें कि मेरा बेटा नहीं है, अगर वो होता तो मेरे खून का बदला लेता, बल्कि मैं भी आपके बेटों की तरह हूँ, मैं भी आपके बेटों से बढ़कर हूँ। मैं भी अगर बेटा होती तो मैं आपके खून का बदला लेती, मैं बेटी होकर भी आपके खून का बदला लूँगी, और जब तक ना ले लूँगी तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगी। ये बात सुनकर उसकी हिम्मत की तारीफ की और मुराद खान भी सुकून से मर गया। यानी बेटी के ये मुंह से ये अल्फाज सुनकर उसके दिल को सुकून पहुंचा और उसने हिम्मत की तारीफ की कि बेटी मुझे तुम पर फ़ख्र है, और जो है ना मेरी इसी बात से ही अल्लाह ताला ने उसकी रूह को जिस्म से जुदा कर दिया। दिन गुजरते गए मगर स्पिन गुल अपने वादे को ना भूली। यानी बहुत अर्सा गुजर गया, लेकिन चूंकि स्पिन गुल ने अपने बाप से ये वादा किया था कि मैं उसके कत्ल का बदला लूँगी, वो अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती थी, लेकिन कोशिश के बावजूद अपने बाप के कातिल का पता ना चला सके। यानी उस बच्ची ने बहुत कोशिश की, अपने कोई ज़राए इस्तेमाल किए होंगे ताकि पता चल सके कि आखिर मेरे बाप को किसने कत्ल किया है, या अगर किसी ने करवाया है तो क्यों करवाया है। उसे सिर्फ इतना ही मालूम हुआ कि उसका बाप के ऊपर कोई शख्स गोली चलाकर पहाड़ों में गायब हो गया और लोग उसके बाप को ज़ख्मी हालत में वहाँ से उठा लाए। किसी शख्स को कातिल के बारे में कुछ भी इलम ना था, कातिल यानी कत्ल करने वाले के बारे में। स्पिन गुल इंतकाम की आग में जल रही थी, लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था। इंतकाम की आग में जलने से मुराद ये है कि हर वक्त वो इस कोशिश में लगी रहती थी अपने बाप के कातिल को तलाश करने की, मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल कर रही थी, किसी पल भी चैन से नहीं बैठ रही थी। कहीं से कोई उसको सुराग मिलता तो वो उस पर तहकीक शुरू कर देती थी, और हर वक्त उसके दिल में यही था उसने कि मैंने अपने बाप का कातिल को ढूंढना है और उसे बदला लेना है। वक्त गुजरने के साथ उसके जज्बात में कमी की बजाय शिद्दत पैदा होती गई। ये इंसानी फितरत है कि अगर हमें कोई चोट लगती है या हम पे कोई गम आता है तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसका असर कम होता चला जाता है और आखिर एक दिन हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट था कि एक बेटी का अपने बाप से वादा था, तो इसलिए उसके जो है ना वो उसमें कमी नहीं आई थी, बल्कि मज़ीद जो है ना वो तेज़ तर होती जा रही थी ये उसका वादा पूरे करने की चाहत कि मैंने अपने बाप के कातिल को ढूंढना ही ढूंढना है। लोग उसे समझाते थे कि तुम नौजवान हो, खूबसूरत हो, क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही हो, अपने आप पर रहम खाओ, मगर स्पिन गुल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। लोग यानी उसकी वालदा भी उसे समझाती होंगी, चचा ताया या और बुज़ुर्ग गाँव के बेटा अब जो होना था वो हो गया, हमारे वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं,
उसकी बजाय आप उसके कातिल को ढूंढने की बजाय अपना शादी करो या कोई ऐसा, यानी अपनी माँ को संभालो, यानी दूसरी बातों की तरफ तवज्जो दो कि ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आओ ताकि तुम और तुम्हारी माँ एक आम ज़िंदगी गुजार सकें, एक नॉर्मल लाइफ को स्पेंड कर सकें। अपने ऊपर रहम खाओ, मगर स्पिन गुल पर उन बातों का कोई असर नहीं होता था। बदले के ख्याल में वो सब कुछ भूल चुकी थी, हत्ता कि वो अपनी प्यारी माँ की खिदमत से भी गाफिल हो गई थी। यानी बदले की आँख में वो इस कदर मशगूल थी, हर वक्त इसी तगोदो में लगी रहती थी, कहीं से कोई सुराग मिलता था या अपने सोर्सेज, अपने ज़राए वो इस्तेमाल करती रहती थी, और हर गुजरते दिन के साथ जो है वो उसका ये जज्बा और मज़ीद तेज़ हो गया था कि मैंने अपने बाप के वालिद को पकड़ना ही पकड़ना है और उसे कत्ल करके अपने बाप के खून का बदला लेना ही है। आज के लिए बस इतना ही। आपने इसके अल्फाज मायने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।